नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत सुंदर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी आप लोगों को हमेशा मिलती रहे और आपके पास से बीमारी हमेशा घर से ही भाग जाए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को बवासीर की बीमारी है, कुछ लोग ऐसे हैं कि बवासीर की बीमारी हो जाती है, तो उनको बवासीर की बीमारी कोई भी दावा करने से पहले वो होता क्या है पहले इसके बारे में जानिए, सब चीज जानना जरूरी है। अगर आपको बवासीर की बीमारी है पहले से, तो लहसुन मत खाइए, आदि मत खाइए, क्योंकि आदि लहसुन आप लोग खाएंगे तो तुरंत एक दो दिन में लगातार खा लीजिए तो वो तुरंत जो है वो बवासीर की बीमारी हो जाएगी। जब बवासीर की बीमारी हो जाएगी तो जहां हम लेट्रिन करेंगे वहां थोड़ा सा खून निकल जाएगा लेट्रिन के रास्ते से, तो ये सब चीज जो है छोड़ देना पड़ेगा। जितना भी ठंडा सामान है वही खाना पड़ेगा, जैसे कि जो ठंडा जितना भी सामान है, कंदा कोहरा बैगन ये सब चीज़ जो है वो जरूर खाना पड़ेगा, ऐसे इससे जो है वो नहीं होगी। और पहला नंबर इसके बाद में उपचार अगर करना है तो आपको लेना है 100 ग्राम आंवला का चूर्ण लेना है, बाजार से खरीद करके सूखा आंवला लेकर के आना है, धूप में सुखा देना है और उखली में उसको कूट लेना है। कूटने के बाद में आपको एक शीशी में भर करके रख दीजिए और दही जो है 250 लीजिए या 200 ग्राम, और एक चम्मच जो है उस आंवले का चूर्ण उसमें डाल दीजिए दही में, और उसको चम्मच से पूरा मिला दीजिए। चम्मच से मिलाने के बाद में खाली पेट सुबह के समय में आप खा लीजिए और थोड़ा सा पानी पी लीजिए। अगर 10 दिन आप कर लेते हैं तो आपको कोई भी बवासीर होगी उसकी नामो निशान तक मिट जाएगी। और इस ए पार नहीं लगे तो आपको लेना है दूध 250 ग्राम और एक नींबू लेना है। दूध को पूरा गर्म कर देना है और गर्म करने के बाद में जब उसमें हाथ डालिएगा आप, तो हाथ सहने लगे यानी मुंह सहने लगे पीने के लायक हो जाए, तो उसमें एक नींबू को काट लेना है, पीला कलर वो जो नींबू मिलता है उसको। और उसको काटने के बाद में आपको क्या करना है कि समझिए कि उसमें गाड़ देना है। गाड़ने के बाद में आपको तुरंत उठा करके पी जाना है, लेकिन बिया उसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो पेट में नहीं पचता है। तुरंत पीने के बाद में ऐसे 10 दिन अगर आप लोग करते हैं तो आपको जो है वो बवासीर की बीमारी मिट जाएगी और बवासीर से छुटकारा पाएंगे। दो नंबर हो गया। तीसरा नंबर चिचिड़ा जो मिलता है वो समझिए कि कहीं झाड़ी में भी मिल जाएगा, जो कांटा कांटा होता है आप चिन्हे होंगे तो चिन्ह लीजिएगा, और उसमें एक जड़ लेना है और एक पान का डंटी लेना है, या डंटी नहीं मिल जाए तो पान लेना है और 2.5 गोल मिर्च रखना है। उसके बाद में उसमें डाल करके पूरा बारीक पीस देना है। पीसने के बाद में सुबह के समय में खाली पेट पीना है। अगर आप लोग ऐसे करते हैं तो आपकी बवासीर की नामो निशान तक मिट जाएगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माता दुर्गा जी आप लोग के घर के आगे पीछे हमेशा खुशियां देती रहे और आप लोग हमेशा खुशहाल रहें, लेकिन बाल बच्चे को 1 से 2 ही रखिएगा तब खुशहाल रहेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ने की रास्ता यही है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।